में एक युवक के साथ की गई मारपीट के बाद पुलिस द्वारा पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़ित न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से मिला है। पूरा मामला थाना क्षेत्र के ग्राम मेकरी का है। यहां का रहने वाला अतुल कुमार पुत्र महेश सिंह बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचा। यहां उसने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि 5 अगस्त के दिन जब वह खेत पर लेबर लेकर जा रहा था, तभी गांव के अखिलेश चौहान पुत्र ओम प्रकाश सिंह ने अपने दरवाजे पर गाली गलौज करते हुए उसकी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया और लाठी डंडों से उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। उसका मोबाइल भी छीन लिया। जब पीड़ित थाने पहुंचा तो पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उल्टा राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पीड़ित न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। नाम है आपका? अतुल पृथ्वीराज चौहान। अतुल, आज एसपी कार्यालय आए हुए हो, क्या मामला, किस प्रकरण में आए हो यहाँ? मामला पिछली 5 तारीख को मैं सुबह अपने घर से खेत पे दो लेबर लेके जा रहा था, तभी हमारे गांव के निवासी अखिलेश चौहान सन ऑफ श्री ओम प्रकाश सिंह चौहान ने हमें गाली गलौज करने लगी और लाठी लेके हमारी बैग फोड़ दी। और हमारा फ़ोन था जिसका IBAN नंबर हमने दर्ज करा दिया एप्लीकेशन में, हमारा वो फ़ोन छीन लिया और जान से माने से हमारे ऊपर 2 तमंचे फायर किए। लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण हमारा मुकदमा थाना ओछा में नहीं लिखा, बल्कि हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अतः कप्तान साहब से हमारा निवेदन ये है कि हमें न्याय दिलाने का कष्ट करें। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरी जिला उपाध्यक्ष हूँ और बाकी सोशल वर्कर की एक हैसियत से मैं अपने क्षेत्र में सामाजिक सहायता करने में हमेशा अग्रसर रहता हूँ, जो कि आप हमारी जाँच पड़ताल कर सकते हैं।